Hi sir, good morning. आपने बुलाया? Have a seat. आप कुछ लेंगी? चाय कॉफी? नहीं सर, थैंक यू. तो रिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर. She is doing really well. In fact, बहुत अच्छा पिकअप कर रही है. Is it? ये रिया की मार्कशीट है. लास्ट टर्म में इसके 63.2 थे और इस टर्म में सिर्फ 72.8. आप इसको अच्छा बोलती है सर. 73% कम नहीं होते? 72.8. यस, दैट इज व्हाट आई मेंट. लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आजकल के कंपटीशन में अगर 90% से कम आए तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता. एंड जस्ट थिंक, जब रिया बड़ी होगी, इन ग्रेड्स के साथ किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? वन सेकेंड, आई हैवंट कंप्लीटेड येट, लेट मी कंप्लीट. आप यहां आती हैं, रिया को एक घंटा पढ़ाती हैं, उसके पैसे लेके जाती हैं ना आप, उसके बाद उसके ग्रेड्स बुरे आए या अच्छे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सर, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बिकॉज आई रियली एंजॉय टीचिंग. या आई नो. एनीवेज, मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे क्योंकि रिया के लिए एक घंटा काफी नहीं है. मतलब साफ है, रिया को ज्यादा पढ़ाइए, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, पूरा दिन पढ़ाइए, पूरी रात पढ़ाइए, आई डोंट केयर. मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है एंड आई नीड 90% एंड अबव, दैट्स इट. सर, आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि 72.8 कम मार्क्स नहीं होते. जब मैंने ज्वाइन किया था तो शी यूज्ड टू स्कोर लेस देन 60%. उसने इतनी मेहनत की है, बहुत इम्प्रूव किया है. वन सेकेंड, फॉर मी एफर्ट्स डोंट मैटर, रिजल्ट्स डू. अगर मेहनत की है तो 90% क्यों नहीं आए? सर, हर बच्चा 90% स्कोर तो नहीं कर सकता ना. प्लीज कट दिस क्रैप. आपको पढ़ाने का शौक है ना, तो आप रिया को पढ़ाइए, दिन रात पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए. मैंने वैसे भी उसका टीवी, खेलना कूदना, गेम्स सब बंद कर दिए. और जो रिया 8-9 घंटे सोती है उसको भी मैं कट करने वाला हूँ. शी स्लीप ओनली 4 आवर्स, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए 4 घंटे की नींद बहुत होती है. मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पास और भी बच्चे हैं पढ़ाने के लिए. आई कांट स्टॉप टीचिंग देम. हाँ, दिस इज वेयर यू कमिंग फ्रॉम. ओके, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, आप जितने बोलोगी उतने दूंगा, बट आई नीड 90%. आप एक काम कीजिए, अपना 90% का रेट बताइए. 90% का रेट? या ओके, आई विल चार्ज 1 लाख और रिया की 90% की गारंटी मेरी है. इनफैक्ट मोर देन दैट. 1 लाख, ठीक है, आई विल मैनेज, बट यू हैव टू अश्योर मी कि रिया के 90% से ज्यादा ही आएंगे एंड आई विल गिव यू 1 लाख अ मंथ. आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड. व्हाट आई मेंट वाज, आई विल चार्ज 1 लाख पर सेशन. 1 लाख पर सेशन? व्हाट डू यू मीन सर? आई मीन 1 लाख एक दिन का, 30 लाख 30 दिन का, प्रॉब्लम सॉर्टेड. और रिया के 90% की गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ. वन सेकेंड, 30 लाख रुपए महीने का? Have you gone crazy? इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ. ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना सर. आप कितना कमाते हैं वैसे? That's none of your business. Keep out of it. सर, मैं रिया के फ्यूचर के लिए तो बात कर रही हूँ. See, I earn 9 lakhs a month. 9 lakhs? That's it? सर, 9 लाख से क्या होगा सर? आप थोड़ा और कमाइए ना. 9 लाख कम है आपके लिए? और क्या सर, बिल्कुल कम है. इतनी महंगाई है, इतना कंपटीशन है, 9 लाख में तो आजकल कुछ भी नहीं होता सर. आप पागल हो गई हो क्या? मेरे हिसाब से 9 लाख रुपए महीना बहुत होता है. सर, आपके अकॉर्डिंग बहुत होते हैं. या लेकिन मेरी ट्यूशन की फीस तो नहीं निकल पा रही ना सर. सर, एक आइडिया दूं आपको, आप ना ओवर टाइम कर लो. ओवर टाइम? और नहीं तो क्या, ये इंटरनेशनल ट्रिप्स, पार्टी करना, टीवी देखना, फैमिली टाइम सब बंद कर दो आप. What are you trying to say? सर, आई एम सेइंग कि आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लो. अभी आप 8 घंटा काम करते हो ना, आप 20 घंटा काम करो. 20 घंटा काम करोगे तो और पैसे आएंगे. और वैसे भी सर, एक इंसान के लिए 4 घंटे की नींद तो काफी होती है ना. जस्ट शट अप. मैं यहाँ पे रिया की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ और तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो. सर, बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास आप कर रहे हो. What? इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह आप 9 लाख से 30 लाख पर नहीं पहुंच पा रहे ना, उसी तरह रिया इतनी जल्दी 90% पर नहीं पहुंच सकती. वन सेकेंड सर, छोटी सी बच्ची है वो, अगर उसके सर पे अभी से पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल दोगे ना,
तो उसके लिए आगे जाके लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के सारे पेरेंट्स को 90% ही चाहिए। इस बात की कोई गारंटी है कि जो आज की डेट में 90% स्कोर कर रहा है आगे जाके 60% स्कोर करने वाले से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा? दिस इज नॉट वर्क। सर प्लीज लिसन टू मी, आपने ये तो नोटिस कर लिया कि उसके 72.8% आए हैं, लेकिन उसने ऑलमोस्ट 10% जंप किया है, आपने ये नोटिस नहीं किया? और 10% का जंप कम नहीं होता। तो सर मैं अभी अपनी क्लास में वापस जाऊं या अभी भी वो 90% वाली गारंटी चाहिए आपको? नो, आई थिंक यू कंटिन्यू विद योर सेशन। थैंक यू। थैंक यू।